दुबई चाइना में रोलेक्स की भी कॉपी है 120 भाई साहब 2000 रुपये में रोलेक्स की घड़ी सही है, और चलेगी कितने दिन वो नहीं पता, बाकी और देखता हूँ। तो इनकी ये शॉप थी और इनके पास भाई साहब सारा का सारा चाइनीज माल है और डुप्लीकेट है, मतलब कॉपी 100% कॉपी। ये देखो रोलेक्स के पेन वगैरह भाई साहब, मतलब सब कुछ बना रखा है भाई साहब चाइना ने। ये देखो इनकी ये लोकल बसेज हैं जैसे अपनी दिल्ली में चलती हैं, और ऐसी कुछ इनकी मेट्रो दिखती है, काले शीशे हैं मेट्रो के भी भाई साहब, मेरे ख्याल से ना धूप का ही पंगा है इधर, तो ऐसा कुछ दिखता है ये वाला एरिया। और इधर से अपने को थोड़ा सा आगे जाना है, उधर कहीं करके चाइना टाउन है, आई थिंक चाइना टाउन शुरू हो गया है। देखो कितनी सारी चाइनीज फूड की स्ट्रीट दिख रही हैं इधर, ये है भाई चाइना टाउन। और इधर मोस्टली ना फूड्स वगैरह के आउटलेट हैं, और इसको ये चाइना टाउन बोलते हैं। मेरे को तो कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि सारा नॉन वेज सिस्टम है खाने के लिए, वेज के ऑप्शन तो है ही नहीं, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा नहीं अगर आप वेजिटेरियन हो तो इधर आओ। और आई थिंक ये ना शाम को ज़्यादा खुलता है, ऐसा ही हुआ हम अभी आए हैं, क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली दुकान बंद है। तो वही है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो चाइना टाउन आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चाइना टाउन का ये वाला पार्ट मेरे को लगभग ठीक लगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हो, पर वो वाला पार्ट बहुत ही वाहियात था भाई साहब, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। एंड ये वाला थोड़ा सा हैपनिंग है, यहाँ पे आप क्लोथिंग कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बैग वगैरह खरीद सकते हो, और बहुत सारे ना वो चीज़ के भी ऑप्शन है। अब ये पता नहीं कॉपी है कि ओरिजिनल है, ये जी शॉक की कॉपी है, सही है। हाउ मच इज दिस फॉर कमांडो? ये देखो ये है 160 रैम एन की। हाउ मच दिस फॉर? 85 ringgit। ओके ये तो है काफ़ी कॉस्टली, 85 मतलब काफ़ी महंगी हो जाएगी। दीज आर ओरिजिनल और कॉपी? या दिस इज ओरिजिनल। ओरिजिनल फॉर श्योर? भाई ओरिजिनल बता रहे हैं, बाकी मेरे को नहीं लगता। मलेशिया मलेशिया हाँ मलेशिया के हैं, नो इंडिया का नहीं, मलेशिया का नहीं। ओके तो यहाँ से आप क्लोथिंग के अलावा शॉपिंग कितना हो जाएगा? 85। देखो भाई चाइना में रोलेक्स की भी कॉपी है 120, यानी लगभग 20,000। 120 120 मलेशियन रिंग एट 120। ओके ओ यू नो इंडियन रुपीस का, ओके लगभग 2000 रुपये की भाई साहब, 2000 रुपये में रोलेक्स की घड़ी सही है, और चलेगी कितने दिन वो नहीं पता, बाकी और देखता हूँ। दिस गोल्ड देखना, कैन यू शो मी दिस वन? दिस वन ओ दिस आर सिमिलर, ओ भाई साहब, बाकी वही है कि टेम्प्रेरी बेस पर पहननी हो तो ठीक है ना नन्नू? एक बारी पहन के रखने हो तो, बाकी वही है कि अगर किसी को शौक पूरा करना है ना तो इधर से घड़ी ले सकते हो, पैर में भी है। बार्गेन कर रहे हैं ना कॉपीज के लिए, हम बार्गेन कर रहे हैं इन कॉपीज के लिए। मेरे को पता है कि अगर मैं इंडिया में लूंगा तो 500-600 है मैक्सिमम, 1,800 रुपये की मिल जाएगी, 1,000 रुपये मैक्सिमम। पर ये बंदा बोल रहा है कि मतलब उतने में नहीं दे रहा जितने मैं मांग रहा हूँ, पर मेरे को सही लग रहे हैं देखने में, इसलिए 125 नहीं यार अभी भी बहुत कॉस्टली है। मैं आपको आई कैन नॉट पे लाइक मोर देन 125, यू एग्री देन लेट मी नो। आई ओके वन सेकंड, आई रूम का 150 होगा, आई रूम का 140 into 118, ओके नो 25 डाइज आर कितना कितना? 125 में दे दो ना, पंखा लेनी है ले लेते हैं 125 में, दो 1,000 रुपए की है। तो आज ये खुश हो रहा है बार्गेन करके, बाकी इतनी महंगी है छोड़ ना, फिर क्या करेगा लेके। मेरे को ना बहुत महंगे से लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, मन नहीं कर रहा।
तो भाई हमने दो कॉफी ले लिए जी सर। तो इनकी ये शॉप थी और इनके पास भाई साहब सारा का सारा चाइनीज माल है और डुप्लीकेट है, मतलब कॉपी 100% कॉपी, ठीक है। ओह नो, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैन, इट्स ओके भाई। ओह यू नो मी, थैंक यू। तो ये था भाई, मैंने तो ले लिए दो घड़ी, देखने में तो सेम ही है, पर भाई है ठीक है, इधर वैसे भी खराबी होनी है, चाइनीज होता है। तो यहाँ से आप मतलब शॉपिंग के लिए ठीक है ना, चाइनीज पर डुप्लीकेट सौदा मिलेगा भाई, सारा कॉपी 100% कॉपी मिलेगा भाई साहब। बहुत सारी वॉचेज की शॉप हैं, फ्रूट जूस वगैरह भी हैं, पर ये पता नहीं डुप्लीकेट जूस है या ओरिजिनल है। हाँ भाई साहब, दो के रेट में एक दे दिया, बाकी अभी भी मतलब ठीक है, ये अपन ना कह सकते गनी महंगी ले आए। जूते की कॉपी भी रखी है भाई साहब, शूजा की कॉपी वगैरह भी रखी है। तो ये है चाइना टाउन, ये देखो की चैन वगैरह भी रखे हैं। लेना है क्या कोई की चैन नन्नो? की चैन लेनी है? ये मिनियंस, वेट ज्यादा अपना बैग का वेट ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखो फ्लिप फ्लॉप भाई साहब, अच्छे बनियान भी हैं घुसी के नाला ही नेट मार्केटिंग वाले पैर आ रहे हैं, मैं ना पैर हुए, हम तो अपने पुमा क्या मैं खुश हैं। तो चाइना टाउन का ये वाला पार्ट मेरे को ठीक ठीक लगा, मतलब यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, अगर आपको घड़ी वगैरह लेनी है ना, मतलब डुप्लीकेट कॉपी, मतलब अरे शौक पूरे करने हैं, डुप्लीकेट कॉपी वगैरह लेनी है तो आप इधर आ सकते हो, और इधर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, बैग मिल जाएंगे, और भाई ठोक पीट के दिखाते हैं, पूरा घुसा मार के दिखावा है, तगड़ा है भाई साहब। और फूड के ऑप्शन भी हैं बहुत सारे, अगर आपको जूस वगैरह पीना है तो। हाँ ये है कि जिस गली से मैं एंटर किया था ना, वो वाली बहुत बेकार थी, वहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, पर यहाँ पे ये है कि ठीक है, नई नई चीज़ें देखने में थोड़ा सही लग रहा है। और ये मिस्टर बीन वाला गुड्डा देख लो, मिस्टर बीन वाला गुड्डा, ये इधर किधर दिख रहा है ना, ये मिस्टर बीन वाला गुड्डा सही है। चाइनीज फूड भी बहुत सारा है इधर, और जैक फ्रूट, और ये वाला एरिया सही हैपनिंग सा है। और ये मिस्टर बीन वाला गुड्डा भाई साहब हर जगह टांग रखा है इन्होंने भाई साहब, सही है तगड़ा, खेलने के लिए ले सकते हैं मिस्टर बीन का। चैन वैन भी दे रहे हैं भाई साहब, देखो गोल्ड डायमंड डुप्लीकेट डायमंड वाली। काफ़ी लंबी स्ट्रीट है ये वाली, मतलब सही है, चश्मे वगैरह भी मिल रहे हैं, प्लाजो कपड़े क्लोथिंग, लड़कियों के लिए भी कपड़े टांगे हुए हैं थोड़ा चाइनीज स्टाइल से में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गुस्सी के बैग भी मिल रहे हैं यहाँ पे, डुप्लीकेट गुस्सी, ये सही है फैन से, ये देखो भाई साहब सही है। हैट वगैरह, जर्सी मिल रही है, जर्सी फुटबॉल टीम की और किसी की, ये भी सही है। ये देखो लाइटें वाइटें स्टाइलिश सी, पेपर के अंदर लाइटें लगा रखी हैं शायद इन्होंने। ये देखो रोलेक्स के पैन वगैरह भाई साहब, मतलब सब कुछ बना रखा है भाई साहब चाइना ने, तगड़ा काम है, बाकी दिखने में सही लग रहे हैं है ना नन्नू, देखने में सही लग रहे हैं। रोलेक्स के पैन थे भाई, मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं रोलेक्स के पैन, मेरे को तो पता भी नहीं था कि रोलेक्स के पैन भी होते हैं। ये देखो आइसक्रीम, और ये हाँ मतलब नेचुरल सी लग रही है वैसे देखने में, बाकी चाइनीज मार्केट है कुछ भरोसा नहीं कर सकते। लेस में तो दे दिए, बाकी सही बड़ा स्कूप भर कर दें तो। एक स्कूप 7 का खाने के लिए, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है इधर, उधर फ्रूट भी दे रहे थे। तो गाइस ये थी चाइना टाउन की मार्केट, और ठीक थी, नॉन वेज वाला एरिया जो था वो इतना बढ़िया नहीं लग रहा था, पर जो ये वाला एरिया था ये सही सही था ना, मतलब ठीक है 5-10 मिनट आके आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो, कुछ लेना है कुछ पसंद आ जाए तो ले सकते हो, और सही था, ओके था मतलब।
ये पक्का किसी की शादी वादी है। साइड से थोड़ी सी स्कॉर्पियो जैसी लग रही थी और लैंड क्रूज है। ये देखो देखो फ्लावर वगैरह की मार्केट है। तो अभी हम चाइना की मार्केट से निकल चुके हैं, चाइना टाउन से, और अभी हम जाएंगे केएल टावर के आसपास। तो गाइस ये है चाइना टाउन का वॉकिंग स्ट्रीट वाला ऑप्शन। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे चाइनीज चीज़ों से, डुप्लीकेट कॉपी चीज़ों का जो आप खरीद सकते हो। ये बिल्डिंग सही लग रही है देखने में, न्यूयॉर्क स्क्वायर के जैसे तिकोना सा पार्क बन रखा है। और हमारे को जाना है उधर, वहाँ से हम लेंगे मेट्रो एंड देन नेक्स्ट डेस्टिनेशन।